नमस्कार दोस्तों, सोइंग मशीन गुरु की चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं डाइसन सोइंग मशीन जिसका R1 मॉडल, जिसका आज हम आपको अनबॉक्सिंग करके बताएंगे। तो ये हमारा वीडियो आप देखते रहेगा, इसके अंदर क्या क्या एसेसरी आती है वो हमारे इंजीनियर साहब आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपकी सिर्फ कट कर देते हैं, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा इसमें क्या क्या एसेसरी और इसके अंदर क्या क्या आता है। कि पैकिंग इतनी काफ़ी अच्छी बनाई गई है कि मशीन को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं करेगी। कि बॉक्स से लेके इसके थर्माकोल के लिए काफ़ी हेवी क्वालिटी इन्होंने मेंटेन की गई है। कि पैकिंग आप देख सकते हो, सबसे पहले देखिए इस पर भी इन्होंने एक सपोर्ट के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। जो सेकंड बॉक्स है, पहले मैं सेकंड बॉक्स में से आपको पहले निकाल के दिखाऊंगा। देखिए ये बॉक्स आ गया जिसमें हमारी मशीन की सारी एसेसरीज है। मैं इसको भी कट करके आपको दिखा, तो इसमें क्या क्या आता है ये देखिए। सबसे पहले तो जो थ्रेड स्टैंड होता है इसे दिया गया है। देखिए ये जो थ्रेड स्टैंड है, इन्होंने पैकिंग करके थ्रेड स्टैंड इसमें दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं इसके मशीन का इंसुलेटर कवर, जो कवर इसके अंदर दिया गया है मशीन के ढकने के लिए। इस कवर के बारे में मैं आपको बाद में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ अभी। ये इसकी मैनुअल बुक, इसमें भी सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ये भी आप पढ़ सकते हो। दूसरी बात, इसमें दिया गया है स्क्रू ड्राइवर जो इसके साथ आता है, जो आपको हैंडल करने के लिए कोई भी चीज़ आती है, स्क्रू खुलना है तो उसके लिए स्क्रू ड्राइवर इन्होंने दिया गया है। उसके बाद जो हम जो नीचे के एक्सीलेटर होता है उसके लिए जो रॉड होती है वो भी दी गई है, इसके अंदर काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ है ये। दूसरी ये जो एक्सीलेटर है, जो एक्सीलेटर की पैकिंग भी इनके साथ दी है, जिससे मशीन आप ऑपरेट करते हो, इसे फूड कंट्रोलर कहा जाता है, वो ये है। उसके बाद जो मशीन की ऑटो ऑयल कहा जाता है, इसीलिए ऑटो ऑयल कहा जाता है कि इस टंकी में ऑयल रहता है। और ये इसकी टंकी है, आप देख सकते हो। इसके बाद आता है हमारा ब्रेक स्टैंड। इसके बाद इसमें जो दिया है ये रबर इंचेस, जो मशीन की फिटिंग के लिए हम लोग इसके टेबल पे अटैच करते हैं, उसके लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद है ये ब्रेक सेट, जो हम पैर से ऑपरेट करते हैं ब्रेक सेट, तो ये अटैचमेंट उसका ब्रेक सेट का अटैचमेंट, ये भी इसके अंदर दिया गया है। और ये जो उसका वायर है, जो मशीन हम लोग केबल वायर, पावर केबल, जो पावर केबल की क्वालिटी इन्होंने काफ़ी मेंटेन की हुई है। उसका ये छोटे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें छोटी छोटी एसेसरीज, सुई से लेके छोटे जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमें ज़रूरत पड़ती है मशीन में, वो भी दी गई है। इसमें आपको दिखा देता हूँ, छोटे स्क्रू ड्राइवर से लेके देखिए कैप होती है। उसके बाद ये छोटा स्क्रू ड्राइवर जिसमें हमें कभी बॉबिन केस के ऊपर स्क्रू लूज टाइट करना हो उसके लिए दिया गया है। ये है जो प्लास्टिक की डट्टी दी हुई है, ये इसलिए अटैच होती है कि आप जब मशीन पलटते हो तो उसको टेकने के लिए ये यूज़ होती है। इसके बाद जो है ये छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको एलन की दी गई है। काफ़ी मशीनों में एलन की नहीं दी जाती है, पर हमारे डायसन मशीन में दी जाती है कि छोटे मोटे स्क्रू जो एलन की स्क्रू का यूज़ होता है तो आपको ओपन करने के लिए आपको इजीबल होता है उसके लिए। फिर दिए गए छोटे सी बॉबिन्स और एक मैग्नेट दिया हुआ है, जो टंकी में मैग्नेट इसलिए होता है कि कोई भी स्क्रू बाई चांस अगर मशीन में से गिर जाए तो टंकी के अंदर ही ये रहेगा, उसके लिए मैग्नेट दिया गया है। दो तीन टाइप के आपको एलन की दी गई है। और उसके बाद दिया गया एक निडल पैकेट है, निडल पैकेट भी उसके अंदर दिया गया है, आप देख सकते हो। इसमें 14 नंबर के निडल्स है। और एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर, ये भी आपको इसके लिए दिया है कि वहाँ से आप प्लेट में कोई यूज़ करना हो खोलने के लिए तो आप यूज़ कर सकते हो उसके साथ, बराबर। उसके बाद आता है ऑयल, जो अच्छी क्वालिटी का लुब्रिकेशन ऑयल इसके अंदर दिया जाता है, जो टंकी में हमें यूज़ करना है। 800 ml का ये ऑयल है जिसके अंदर दिया गया है। और ये छोटी सी ऑयल कूपी भी दी है कि हम लोग ऊपर से थोड़ा बहुत ऑयल डालना हो तो आप इसका भी यूज़ इसमें कर सकते हो। और बाकी के जो स्क्रू है जिससे हमें मशीन अटैच करना हो, मशीन के जो टेबल स्टैंड हम लोग फिट करते हैं उसके लिए सारे, ये जो प्लास्टिक की चाइना वाली कैप दी गई है, ये हमें जब टेबल पर अटैच करते हैं जो वायर अगर इधर उधर ना हो इसीलिए वायर को अटैच करने के लिए सेफ्टी के लिए दी गई है। और ये बाकी के जो स्क्रू है वो टेबल को स्टैंड के साथ अटैच करने के लिए दी गई है। अभी ये सारे इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बता दिए, अब बारी आती है हमारी मशीन के ऊपर। तो आइए मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो थर्माकोल्स के ऊपर जो मशीन अंदर है, तो देखिए मैं आपको पहले ये सेफ्टी इसलिए बता रहा हूँ कि इसे निकालना कैसा है, कि आपका मशीन डैमेज ना हो तो किस प्रकार से इसे निकालना। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करना है, आपको इस बॉक्स को इस तरह से उल्टा करके लेट जैसा करना है। इससे क्या होगा, मशीन का स्मूथी रहेगा, थोड़ा सा भी हिलेगा नहीं और इजीली आपका ये बॉक्स निकल जाएगा। बॉक्स निकल के बाद दिखा रहा है कि नीचे भी इन्होंने सेफ्टी के लिए छोटा रखा हुआ था, अभी आपको दिखा रहा हूँ। अभी क्या करना है, इस मशीन को आपको इस साइड ऐसे रखना है,
देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ आर1 मॉडल के, इसके ऊपर इन्होंने पन्नी भी रखी हुई है कि मशीन को थोड़ा सा भी क्रैश ना गिरे और मशीन सेफ्टीली आपको मिल जाए। अगर आप कभी आउट ऑफ सिटी में अगर मशीन मंगाते हो तो ट्रांसपोर्ट में डैमेज होने के चांसेस काफी कम होते हैं, क्योंकि इसकी थर्माकोल की क्वालिटी और बॉक्स की क्वालिटी काफी अच्छी है, इसकी वजह से मशीन में कोई भी डैमेज के चांसेस कम है। आप देख सकते हो अभी मैं इसे मशीन को निकालना है, अभी आपको इसे इस तरह से खड़ा करना है, निकाल लो और लुक वाइज आप देख सकते हो आर1 मॉडल पहले भी आपने देखा है, पर अभी देखिए डिस्प्ले से लेके हर एक चीज पे इन्होंने इतना कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है मशीन बनाने में, कलर से लेके हर चीज में देखिए आप कि डिस्प्ले भी और नाम से लेके हर चीज में कलर इतना बेहतरीन लग रहा है इसके ब्लू एंड ग्रे कलर का और क्वालिटी काफी अच्छी। और एक चीज मैं आपको ये बता दूं, काफी मशीन से अलग इसकी एक चीज ऐसी है कि ये 45 kg का ओनली ये हेड आता है, जब भी आप स्टैंड पे इसे मशीन पे ऑपरेट करोगे तो मशीन आपका वाइब्रेट बिल्कुल ही नहीं होगा और आपको चलाने में काफी मजा आएगा। ये है डायसन का आर1 मॉडल सिंगल लीडर लॉक स्टिच मशीन। इसमें हालांकि जो स्पीड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आती 7000 RPM की स्पीड आती है और मोस्ट ऑफ कोई लोग इसमें 45000 RPM पे इसे ऑपरेट करते हैं, इतनी स्पीड की जरूरत नहीं पड़ती पर कंपनी ने इसमें दी गई है। अभी आपने ये मशीन का देख लिया, अभी नेक्स्ट हम चलते हैं इसके इसी मशीन के टेबल स्टैंड पे कि वो कैसे अटैच होता है, उसकी फिनिशिंग से लेके उसपे क्या क्या चीजें आती है वो हम आपको बताएंगे अभी इसके टेबल स्टैंड पे। आप देख रहे हो यहाँ पे आपको दिखा हुआ टेबल स्टैंड का बॉक्स जिसपे डायसन की ब्रांडिंग की गई है, डायसन टेबल एंड स्टैंड फॉर ISM। तो आइए हम इसे ओपन करते हैं अभी। इसकी भी पैकिंग इन्होंने की हुई है अच्छी से, तो टेबल और स्टैंड दोनों देख रहे हो इस तरह से इसे काटना है। इसकी सेल ऑफ पहले इसीलिए काट डालते हैं, बस टाइम निकालना इजी होता है और उससे भी इजी ये है कि इसको ऑपरेट करना। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो फुट कंट्रोल है, देखिए इस पे भी डायसन की ब्रांडिंग की है प्रॉपरली। उसके बाद आते हैं कि टेबल और के अंदर जो ड्रॉवर यूज होता है वो ड्रॉवर इसके साथ दिया गया है और इसके दो स्लाइडर क्लिप ओके। उसके बाद हम आते हैं इसके अटैचमेंट इंस्ट्रूमेंट पे, इसमें सारे बोल्ट्स जो दिए गए इसमें अटैच करने के लिए आप देख सकते हो और इसमें एक्स्ट्रा स्क्रू भी दिए जो टेबल और स्टैंड को अटैच करने के लिए ओके। उसके बाद आते हैं हम स्टैंड के ऊपर, तो आप देख सकते हो ये जो स्टैंड है वाइट कलर वाला, वाइट एंड ब्लू कलर का जो स्टैंड है और इसकी एक खासियत मैं आपको बता रहा हूँ, काफी स्टैंडों में दिखा देते कि फिक्स होता है, ये एडजस्टेबल होता है, मतलब इसमें आप अप डाउन कर सकते हो कि जितना आपको चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये स्लाइडर है, अगर आपकी हाइट के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो स्क्रू का दिया हुआ है यहाँ पे आप स्क्रू अटैच कर सकते हो, फिर जब आप जितने साइज में इसको रखना चाहते हो फिटिंग करना चाहते हो उतने हाइट के हिसाब से आप इसे फिट कर सकते हो। दोनों चीजें प्रोसीजर में सेम है। उसके बाद आते हैं ये दोनों, देखिए ये भी ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, ये हो गया स्टैंड का। उसके बाद ये नीचे जो लगता है उसको स्टैंड में डायसन की ब्रांडिंग की हुई है, ये दोनों चीजें उससे भी अटैच होती है, ऊपर नीचे की साइड और ये ऊपर की साइड, हो गया। उसके बाद आते हैं इसके टेबल के ऊपर, मेन तो टेबल ही होता है क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा फिनिशिंग होती है और चारों तरफ कोने दिए इसलिए कि ये डैमेज ना। मैं आ रहा हूँ टेबल के ऊपर, तो आप देख सकते हो टेबल, ये है टेबल डायसन का, ये है राउंड शेप टेबल डायसन का, 20x40 की साइज वाला डायसन टेबल जिस पर मशीन आपकी प्रॉपरली बैठ। देखिए इसमें नॉर्मल सी छोटी ट्रे भी दी गई है, इसमें ट्रे में आप सुई बॉबिन्स या थ्रेड कुछ भी रख सकते हो और यहाँ पे प्रॉपरली डायसन की ब्रांडिंग ब्लू कलर में।
और इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी दी है। और यहाँ पे आप देखना चाहे तो यहाँ पे एक देख सकते हो, ये जो ग्रे कलर में आपको जो मेजर टेप दिया हुआ है, जब भी आप कपड़े स्टिचिंग कर रहे हो या कुछ भी गारमेंट सिलाई कर रहे हो तो आप मेजरमेंट इस हाथ से भी ले सकते हो। प्रॉपरली नीचे तक यहाँ पे दी हुई है। देखिए फिर से मैं एक बार आपको इस टेबल से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाले हैं इसी मशीन स्टैंड टेबल की इंस्टॉलेशन करके दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।